हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन इस वीडियो के अंदर जर्नल के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट वाले टॉपिक के अंदर अपन ने जर्नल के जो तीन रूल थे उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा कैपिटल की अपन ने एंट्री कर ली थी, ड्राइंग की एंट्री कर ली थी। आज अपन जो जर्नल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आधार पर किस हिसाब से अपन जर्नल एंट्रियाँ मेंटेन करेंगे और बैलेंस का जर्नल एंट्रीज के अंदर क्या रोल होता है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, बैलेंस दो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जितने भी अकाउंट हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। डेबिट बैलेंस कौन कौन से होते हैं या कौन से अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं और कौन से अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। डेबिट बैलेंस पांच अकाउंट है, परचेज मतलब कर, दूसरा आपके सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी तीसरा आपके एक्सपेंसेज, जितने भी टाइप के खर्चे हैं बिजनेस के, चौथा आपके ऑल टाइप ऑफ एसेट्स, जितने भी प्रकार की संपत्तियां हैं, एंड ड्रॉइंग मतलब आहरण। ये तो आप पढ़ चुके हैं, आहरण क्या होता है, डेबिट ही हुआ था, जर्नल एंट्री में देखा था अपन ने। क्रेडिट बैलेंस के जो आइटम हैं, क्रेडिट बैलेंस के आइटम में परचेज का जस्ट अपोजिट सेल्स मतलब विक्रय, सेल्स रिटर्न का अपोजिट परचेज रिटर्न, एक्सपेंसेस का अपोजिट इनकम, एसेट्स का अपोजिट लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब दायित्व, इनकम मतलब जानते ही हो आय, परचेज रिटर्न मतलब कर रहे वापसी, ठीक है। और लास्ट ड्रॉइंग का अपोजिट कैपिटल। बिजनेस में कुछ भी अपन लगाते हैं तो उसको कैपिटल, बिजनेस से अगर अपन वापस निकालते हैं घर के काम के लिए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। तो ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस के आइटम है, यानी कि इनका जो नेचर होता है वो डेबिट होता है। जर्नल एंट्री में ये हमेशा डेबिट होंगे। भी अगर आप माल खरीद के लाते हो तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, अगर आप माल बेचा हुआ वापस आपके पास आ जाता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, अगर कोई भी आप खर्चा पे करते हो, एक्सपेंसेस पेड करते हो तो एक्सपेंसेस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, एसेट्स अगर खरीदते हो तो एसेट्स डेबिट होगी, ड्रॉइंग अगर आप करते हो तो ड्रॉइंग डेबिट होगी, ठीक है ना। यानी कि इनके नेचर डेबिट है। तो अब इनमें कभी भी इंक्रीमेंट होता है, अगर ये इंक्रीज होते हैं यानी कि इनमें अगर वृद्धि होती है तो ये डेबिट साइड में लिखोगे, लेकिन इनमें कमी होती है, डिक्रीज होते हैं ये, तो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड। सेम ऐसे ही अगर क्रेडिट बैलेंस का कोई भी आइटम अगर इंक्रीज होता है, क्रेडिट बैलेंस के आइटम में अगर वृद्धि होती है तो किधर लिखोगे, क्रेडिट, और इनमें अगर कभी भी कमी होती है, डिक्रीज होते हैं तो किधर लिखोगे आप, डेबिट। यानी कि एक पोर्शन जर्नल एंट्री का आपके फिक्स हो गया। डेबिट बैलेंस का आइटम है अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस का आइटम ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। यानी कि इंक्रीज हमेशा बैलेंस की साइड होता है। डेबिट बैलेंस का आइटम अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट बैलेंस का आइटम अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, ठीक है। कमी अगर डेबिट बैलेंस का अगर कम होता है तो क्रेडिट, और क्रेडिट बैलेंस का कम होता है तो डेबिट, ठीक है। तो इनके बेस पे अपन जर्नल एंट्री करेंगे। तो ये हमारा बैलेंस के बेस पे एक लॉजिक हो गया, हमारा रूल हो गया, इसको आप ध्यान रखोगे, क्योंकि अब जो अपन एंट्रियां करने जाएंगे उसमें इंक्रीज डिक्रीज, इनकी डिक्रीज आपके काफ़ी आएगा,
किस में वृद्धि हो रही है, किस में कमी हो रही है, ठीक है। और वो जो रूल अब तक अपन ने पढ़े हैं वो तो अपन के काम आएंगे आएंगे। तो सबसे पहले अपन परचेज वाला टॉपिक लेंगे, परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है वो चीज़ देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लेना, मैं वापस मिटा रहा हूँ एक बार इसको, मैं परचेज का टॉपिक ले रहा हूँ। फर्स्ट है परचेज, हिंदी में इसको क्रय बोलते हैं। वास्तव में परचेज है क्या? जनरली अपन जो परचेज वर्ड यूज में लेते हैं, कुछ भी खरीद के लेके आते हैं तो अपन बोलते हैं परचेज। आप एक ड्रेस खरीद के लेके आए, आपको पूछा तो आपने बोला परचेजिंग की थी। अगर आप घर के लिए सोफा खरीद के लेके आए तो भी वो परचेज है। अगर घर के लिए कोई वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, परचूनी का सामान कुछ भी खरीद के लेके आए तो वो आपके लिए परचेजिंग है। लेकिन बिजनेस के अंदर परचेज को एक अलग तरीके से या अलग मीनिंग इसका निकाला जाता है। यहाँ पे परचेज का मतलब होता है केवल और केवल गुड्स खरीदना। अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो ही उसको परचेज बोलेंगे। अदर कोई भी चीज़ आपने खरीदी है तो उसको अपन परचेज काउंट नहीं करेंगे। जैसे फर्नीचर खरीद के लेके आए बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे अपन परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। वही अगर हम माल खरीद के लेके आए बिजनेस के लिए, बेचने के लिए, तो वहाँ पे अपन उस माल का नाम नहीं लिखेंगे कि मार्बल लेके आए तो मार्बल अकाउंट डेबिट, नहीं, हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो देखो परचेज का मीनिंग क्या है। परचेज का मतलब है व्हेन ए बिजनेसमैन bought goods called purchase। अगर या जब एक व्यापारी माल खरीदता है तो उसे क्रय कहते हैं, ठीक है। जब एक व्यापारी माल खरीद के लेके आता है, गुड्स परचेज करता है, तो ही उसको परचेज लिखा जाता है। अभी बाकी कोई भी चीज़ अगर खरीदता है तो उसको अपन परचेज नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि सर ये गुड्स क्या है, ठीक है, गुड्स ये माल है क्या? क्योंकि हर व्यापारी के लिए ये चीज़ तो अलग होगी। तो सीधे सीधे शब्दों के अंदर ये है कि एक बिजनेसमैन जिसमें अपना बिजनेस रन कर रहा है, एक व्यापारी जिसमें अपना व्यापार, जिस वस्तु में अपना व्यापार कर रहा है, वो वस्तु उसके लिए माल है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया एक यहाँ पे मैं बिजनेस लिख रहा हूँ, या बिजनेस में ये बिजनेस अपने किस चीज़ का किया है वो लिख रहा हूँ। जैसे कि आपके मार्बल, एक व्यापारी है जो क्या करता है, मार्बल का बिजनेस करता है। तो मार्बल के बिजनेस के लिए मार्बल अगर खरीद के लेके आता है, ठीक है, स्टोन ये पत्थर खरीद के लेके आता है, तो ये इसके लिए क्या है, माल है। जैसे कि एक जो बिजनेसमैन है वो फर्नीचर का बिजनेसमैन है, तो इसके लिए फर्नीचर या टिम्बर ये क्या होगा, माल होगा, ठीक है। अगर एक मार्बल का बिजनेसमैन है उसके लिए मार्बल, अगर कोई फर्नीचर का बिजनेसमैन है उसके लिए फर्नीचर और टिम्बर, अगर कोई जैसे कि आपके कार का या बाइक का शोरूम है, ठीक है ना, तो कार अगले के लिए कार या कार से रिलेटेड इक्विपमेंट अगर वो उनको एक जगह करके कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके अगर बनाता है तो उसके लिए कार और उसके पार्ट्स वो क्या होंगे, माल होंगे। तो डिपेंड करता है बिजनेसमैन किस चीज़ का। अगर मार्बल का बिजनेसमैन अगर फर्नीचर खरीद के लेके आता है तो उसके लिए गुड्स नहीं है। अगर फर्नीचर का बिजनेसमैन मार्बल खरीद के लेके आता है तो ये भी इसके लिए गुड्स नहीं है। अगर कार का बिजनेसमैन मार्बल खरीद के लेके आता है तो ये भी इसके लिए गुड्स नहीं है।
ठीक है ना। कार का बिजनेसमैन है तो उसके लिए कार, फर्नीचर का बिजनेसमैन है तो उसके लिए फर्नीचर और टिम्बर, मार्बल का बिजनेसमैन है तो मार्बल। तो डिपेंड करता है आप अपना बिजनेस जो है, ठीक है ना, बिजनेस रन किस में कर रहे हो, किस चीज में आप अपना बिजनेस चला रहे हो। आप मार्बल के व्यापारी हो तो मार्बल आपके लिए माल होगा, और माल जब आप खरीद के लेके आओगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। तो ये कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से सबके क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादातर देखा यही जाता है, जैसे ही लाइन आती है फर्नीचर खरीदा आप परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हो, जैसे आपके लाइन आती है मशीन परचेज की आप परचेज अकाउंट डेबिट कर देते हो, क्योंकि वहाँ पे सीधा है मशीन खरीदी, खरीदी मतलब परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। ये सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है स्टूडेंट के अंदर, तो इसीलिए इसको इतना डीपली मैंने समझाया था। बिजनेस जिस चीज़ में आप कर रहे हो वो चीज़ ही आपके लिए परचेज होगी, अदर कोई भी चीज़ आपके लिए परचेज नहीं होगी। आप परचेज केवल एक ही बार लिखोगे जब आपके लिए गुड्स परचेज किया जाए तो ही आप परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, अदरवाइज कभी भी नहीं। जब गुड्स परचेज किया है तो ही परचेज अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। अब बारी आ जाती है इसकी जर्नल एंट्री की, एंट्री का रूल क्या है। तो देखो अभी परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा हर बार, ठीक है। जब भी इफ गुड्स परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट कब होगा, जब आप गुड्स खरीदोगे। जैसे नाम आया गुड्स परचेज, आपको फटाफट परचेज अकाउंट डेबिट कर देना है। अब देखो भी जब भी अपन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदा तो पेमेंट के दो मोड होते हैं, पेमेंट की बारी आती है। तो या तो आप पेमेंट डन करते हो, और या फिर आप डन नहीं करते, क्या कर देते हो, क्रेडिट। यानी कि जैसे ही बात पेमेंट की आती है, आपने माल खरीद लिया अगले से पार्टी से, तो या तो आप पेमेंट करोगे, पेमेंट डन करोगे, तो पेमेंट जब आप करोगे या तो हार्ड कैश में और या चेक यानी कि बैंक से, यही ऑप्शन है, ठीक है ना। अब बैंक पेमेंट का मतलब चेक से कर दो आप, या गूगल पे कर दो, या पेटीएम कर दो, नेफ्ट कर दो, ठीक है, डीडी डिमांड ड्राफ्ट से कर दो, ये पेमेंट के अलग मोड आ जाते हैं, हमें इसके बारे में डिस्कस नहीं करना। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आपने माल खरीदा तो या तो आप पेमेंट उसी टाइम करोगे, मतलब कैश ट्रांजैक्शन, या फिर पेमेंट आप नहीं करोगे, बाद में करोगे, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो पेमेंट यानि कि खरीदने के या बेचने के दो ही ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन मतलब पेमेंट डन हो गया, पेमेंट डन नहीं हुआ बाद में करोगे पेमेंट, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो जैसे ही आप गुड्स खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने अगर पेमेंट डन कर दिया तो आप करोगे टू कैश, अगर हार्ड कैश में पेमेंट किया तो टू कैश, चेक से या गूगल पे या पेटीएम या अदर कोई भी मोड से किया है तो टू बैंक, ठीक है। अगर आपने पेमेंट डन नहीं किया, उधार रख दिया, उधार रख दिया, तो जिससे आपने माल खरीदा था, देखो भी जो आपको, आप सोचो आप दुकान में बैठे हो, ठीक है, आपको पता होलसेल वाले आपके पास आते हैं, आप गोडाउन में बैठे हो तो आपके जो परचेजिंग पार्टीज है उनके फ़ोन आते हैं, भाई साहब माल खरीद लो अभी, ठीक है ना। आप बोलते हो यार गोडाउन में अभी तो माल पड़ा है, ठीक है चल ठीक है इतना माल भेज दो, तो जिससे आप खरीद रहे हो वो आपका क्या है, सप्लायर। जिसको आप बेच रहे हो वो आपका क्या है, कस्टमर, ठीक है ना। तो परचेजिंग अगर आपने उधार की है तो उस सप्लायर का नाम आ जाएगा, अगर परचेजिंग आपने क्या की है, उधार की है, तो उस सप्लायर का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। अब एक नया वर्ड आया, सर ये क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर कौन होता है अभी, वो पर्सन जो आप में पैसे मांगता है। आप अगर उधार माल खरीद के लेके आए, ठीक है ना, तो वो पर्सन आपका सप्लायर आप में पैसे मांगने लग गया तो वो आपका क्या है, क्रेडिटर। सेल्स वाली एंट्री में एक वर्ड आएगा डेटर, डेप्टर नहीं बोलेंगे इसको, डेटर, ठीक है। सेल्स वाली एंट्री में एक वर्ड आएगा डेटर, डेटर कौन होता है, वो पर्सन जिसमें आप पैसे मांगते हो, तो वो पर्सन जिसमें
आप पैसे मांगते हो वो आपका क्या है, डेटर है। ठीक है ना, आपने किसी को उधार माल बेच दिया, उधार फर्नीचर दे दिया, उधार पैसे दे दिए या बाद में दे देना, तो वो सारे आपके डेटर हैं। और जिससे आपने क्रेडिट लिया है, उधार लिया है, उधार माल लिया, उधार पैसे लिए हैं, कुछ भी लिया है आपने, ठीक है ना, तो वो आपका क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिट लिया है तो क्रेडिटर, क्रेडिट दिया है तो डेटर। ठीक है भाई, तो परचेज की आपकी ये एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ध्यान रखना, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट इफ गुड्स आर परचेज। ठीक है, टू कैश अकाउंट पेमेंट, के पेमेंट अगर आपने कैश में कर दिया तो टू कैश अकाउंट, और पेमेंट अगर आपने कैश में नहीं किया, उधार रख दिया, तो आपके क्या आएगा, टू क्रेडिटर, नेम ऑफ क्रेडिटर, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ पार्टी, जो भी। ठीक है, एक दो एंट्री अपन एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने दिया गुड्स परचेज, गुड्स परचेज किया कितने का, 10,000 का। सेकंड मैंने दिया गुड्स परचेज फ्रॉम कमल, 5,000। थर्ड मैंने लाइन दी गुड्स परचेज फ्रॉम रोनी, 10,000 इन कैश। फोर्थ मैंने लाइन दी गुड्स परचेज फ्रॉम टोनी, 5,000 इन क्रेडिट। ठीक है, फिफ्थ मैंने लाइन दी गुड्स परचेज फ्रॉम मोनी, 10,000 इन कैश एंड 5,000 इन क्रेडिट। ये मैंने आपको जर्नल एंट्रियां दे दी। देखो भाई, यहाँ पर मैं एंट्री करूँगा गुड्स परचेज किया, जैसे ही नाम आता है गुड्स परचेज तो आप क्या करते हो, इफ गुड्स परचेज वर्ड आते ही आप क्या करते हो, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं भाई, आप बोलोगे सर परचेज का नेचर ही डेबिट होता है, परचेज अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर आप माल खरीद के लेके आओगे तो गोडाउन में माल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 1,00,000 रुपए का माल पड़ा था, 20,000 का और खरीद के लेके आ गए, 1,20,000 का हो गया, 50,000 का और खरीद के लेके आ गए, 1,70,000 का हो गया, 30,000 रुपए का और खरीद लिया, 2,00,000 रुपए का हो गया, तो आपकी परचेजिंग बढ़ी। आपकी परचेजिंग पहले 1,00,000 थी, फिर 1,20,000 हुई, फिर कितनी होगी, 1,70,000 हुई, फिर कितनी होगी, 2,00,000 रुपए होगी। ठीक है, तो जैसे ही आप गुड्स खरीदते हो तो आपकी क्या होती है, परचेजिंग बढ़ती है। ठीक है, तो परचेजिंग बढ़ती है, परचेजिंग अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, तो गुड्स जैसे ही आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट अपन डेबिट करेंगे, तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे सर परचेज अकाउंट आप कर दो डेबिट, ये लो डेबिट कर दिया, कितने रुपए है कि 10,000 है। अब बात आती है कि परचेज जो किया मैंने कैश में किया है, क्रेडिट में किया है। अब हर टाइप के ट्रांजेक्शन लिख दिए भी, आपके जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं ना वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, सिंगल कन्फ्यूजन भी आपके नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर देखो, आप इस लाइन को देखो, यहाँ पे तुम्हारी अर्जुन वाली आंख लगाओ, ठीक है, और देखो कि ये केस में है या क्रेडिट में है। तो आप बोलोगे सर मैं बड़ा गौर से देख रहा हूँ लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है केस ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो देखो भाई, विदाउट इन्फॉर्मेशन अपन को इसे क्या मानना। ठीक है ना, इसके अपन एक एग्जांपल लेते हैं। आप एक किसी दुकान पे गए, किसी शॉप पे गए, आपने कहा भाई साहब 5,000 रुपये का ये सामान देना, आपने सामान ले लिया। ठीक है, आपने अगले को 5,000 रुपये नकद दिए और आप घर पे आ गए, क्या अगले दुकानदार ने आपका नाम अपने खाते में लिखा? नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप माल खरीद के लाए, बदले में अगले को आपने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पेमेंट अगले के पास चला गया, माल आपके पास चला गया, एक दूसरे के नाम से कोई मतलब ही नहीं है, तो अकाउंट कोई बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगले के अकाउंट्स में आपके नाम का कोई अकाउंट नहीं बनेगा। तो अगर नेम ऑफ पर्सन नहीं दिया हुआ है तो इसको क्या मानना है, केस ट्रांजेक्शन ही मानना है।
विदाउट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है तो अपन को इसको कौन सा ट्रांजेक्शन मानना है, अभी क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानना है, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन दे दिया, इसका मतलब कमल से हमें मतलब है, कमल ने उधार खरीद के लेके गया तभी तो अपन ने कमल का नाम लिखा है, ठीक है। तो विदाउट इंफॉर्मेशन, अब देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है लेकिन आगे जाके अगले ने पूरा क्लियर कर दिया कि आपने जो परचेजिंग की है किसमें की है, केस में की है। यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है लेकिन अगले ने जाके क्लियर कर दिया कि आपके ट्रांजेक्शन किसमें है, क्रेडिट में है, ठीक है ना। तो नेम ऑफ पर्सन अगर दिया हो, यानी कि अगर क्वेश्चन में क्लियर कर दिया केस या क्रेडिट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं किया केस में या क्रेडिट में, फिर अपन देखेंगे नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है क्रेडिट, नेम ऑफ पर्सन नहीं दिया हुआ है केस ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अपन क्या, कौन सा केस ट्रांजेक्शन मानेंगे इसको, तो अपन ने क्या कर दिया, टू केस 10,000, बात खत्म हुई। गुड्स परचेज फ्रॉम कमल, कमल से खरीदा उधार है, तो आप एंट्री करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ पर्सन टू कमल अकाउंट, टू कमल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे गुड्स परचेज किया फ्रॉम रोनी से, इन केस में खरीदा, साफ ही बोल दिया, भले ही रोनी का नाम दिया हुआ लेकिन अगले ने साफ साफ क्लियर कर दिया किस में पेमेंट कर दिया आपने, केस में पेमेंट कर दिया अभी 10,000 रुपीज का, बात ही खत्म। यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम टोनी, टोनी से खरीदा, अगला साफ बोल रहा उधार में, तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करो, उधार माल खरीद के लेके आते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, टू टोनी का नाम, कितने रुपए, 5,000, ठीक है। लास्ट एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम मोनी, मोनी से माल खरीदा, अगला बोल रहा 10,000 का तो नकद खरीदा है इससे, तो टू केस लिखेंगे, और 5,000 का उधार खरीदा है तो टू मोनी भी लिखेंगे, यानी कि इसने नगद और उधार दोनों का दे दिया, तो आप लिखोगे सर देखो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, भले ही आप नगद में खरीद के लेके आओ चाहे उधार में खरीद के लेके आओ, परचेज अकाउंट तो हमेशा क्या होगा आपके डेबिट ही होना है, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। टोटल माल कितने का खरीदा अभी, 10 और 5, 15,000 रुपये का माल खरीद लिया, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा आपके 15,000 से, और टू केस अकाउंट जितने का नगद माल खरीद के लेके आए हो, तो नगद माल कितने का लाए हो आप, 10,000 तो पैसे गए, तो याद है ना वो, ठीक है। कम सीन बिजनेस में अगर आ रहा है कुछ भी डेबिट करते हैं, और बिजनेस से अगर जा रहा है तो क्रेडिट करते हैं, तो नगद माल खरीद के लेके आते हो क्या जाता है आपकी जेब से, पैसा, ठीक है ना। आप 10,000 रुपये लेके गए, माल खरीदा तो अगले को 10,000 दे दिए, तो 10,000 गए, ठीक है, बिजनेस से 10,000 जा रहे हैं, इसलिए टू केस, और 5,000 का उधार हो गया तो मोनी का नाम, तो टू मोनी अकाउंट, ठीक है भाई। तो ये आपके सारे टाइप की एंट्रियाँ हो गई, अब आपके परचेज से रिलेटेड आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट वाला जो अपन वीडियो लेंगे वो सेल्स का लेंगे, और हो सकता है सेल्स के साथ में एक दो टॉपिक और भी ले लूँ, जिन टॉपिक को मुझे डीपली समझाना होता है उसका टॉपिक मैं छोटा लेता हूँ और वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता है, तो आगे वाले सेल्स वाले टॉपिक के अंदर आपके सेल्स भी हो जाएगा, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न वो भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो अपन कुल मिला के धीरे धीरे ये जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आइटम देखे थे, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, एक्सपेंसेज है, एसेट्स है और ड्रॉइंग है, इधर क्रेडिट बैलेंस के आइटम में सेल्स है, परचेज रिटर्न है, इनकम है, लाइबिलिटी है और कैपिटल है, ठीक है। तो ये सारे ले लेंगे, आज अपन ने केवल और केवल इतना सा लिया है परचेज का लिया है, नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं यहाँ तक आपके कंप्लीट करवा दूंगा अभी, ठीक है ना। फिर अपन एक दिन एक्सपेंसेस का ले लेंगे, एक दिन इनकम का ले लेंगे, धीरे धीरे अपने होता रहेगा, और साथ के साथ आप भी जर्नल एंट्रियाँ बुक से करते रहो, और आपको बुक्स खरीदनी है, नई बुक्स आपके मार्केट में आ गई है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक लेना भी, दुकान वाले आपको दूसरी चिपका देंगे कि ये ले जा, आपको दूसरी नहीं लेनी है, आपके सिलेबस अब कौन सा है एनसीईआरटी पैटर्न का, तो एनसीईआरटी की जो बुक आ रही है मार्केट के अंदर वही आपको परचेज करके लेके आनी है, ठीक है भाई। तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही लेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन आगे मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।